नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 24 जनवरी 2020 शनिदेव अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर जो कि देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है अपनी साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है क्या लाभ और क्या हानि इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है अब तक हमने मेष से लेकर धनुराशि पर्यंत इन नौ राशि के जातकों के बारे में जाना कि शनिदेव किनको फायदा दे रहे हैं किनको नुकसान किनको बहुत बड़ा लाभ है और किनको थोड़ा नुकसान है किनको क्या उपाय करना चाहिए इस पर हमारी बृहद चर्चा चल रही है आज हम इसी क्रम में जानेंगे मकर कुंभ और मीन इन तीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव क्या प्रभाव देने जा रहे हैं मकर राशि में ही शनिदेव का गोचर होने जा रहा है तो सीधी सी बात है कि मकर राशि के जातकों को शनि साढ़े सात की मध्य ढैया लगेगी कुंभ राशि को शनि साढ़े सात की प्रथम ढैया और मीन राशि के जातक तैयारी कर लेंगे क्योंकि अगली बारी आपकी है साढ़े सात की अब शनिदेव की साढ़े साथी कुछ लोगों को फायदा देती है तो कुछ को नुकसान फायदा किनको देती है तो आप जानते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री होकर के बैठे हो बलावल के साथ हो और उनका संबंध चंद्रमा के साथ न हो तो उन लोगों को साढ़े साथी वरदान के रूप में होती है उनके लिए साढ़े साथी हर प्रकार से फायदा देने वाली होती है लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा से शनिदेव का सीधा सीधा संबंध है तो फिर यह साढ़े आपको कष्ट देती है मानसिक अशांति और परेशानी देती है अब मकर राशि के जातकों की बात करूं तो आपकी राशि पर ही ये गोचर होगा देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है फलत एक प्रश्न उठ खड़ा होगा कि क्या शनिदेव आपको पूरी तरह से कष्ट देंगे या फिर इस साढ़े साथी में आपको लाभ भी मिलेगा अगर मैं अपना मत रखूं तो मैं मकर राशि के जातकों को इतना ही कहूंगा कि साढ़े साथी होने के कारण थोड़ी परेशानी जरूर होगी आपके कार्य डिले हो मानसिक अशांति हो लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में कष्ट जैसे आम लोगों को बाकी की राशियों को हो जाता है आपको नहीं होना चाहिए आपको परेशानी जरूर होगी इसमें कहीं कोई संशय और क्या परेशानी होगी अभी हम जानेंगे गोचर को समझने के लिए हमेशा एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि अपनी जन्म कुंडली में जिस ग्रह के गोचर के बारे में आप जान रहे हैं उस ग्रह की स्थिति को देखिए अगर वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलाबल के साथ बैठा है यानी अंश बल में बली है उच्च राशि में है मित्र राशि में है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसा ग्रह गोचर में अच्छा फल प्रदान करता है बहुत कष्ट नहीं देता लेकिन वहीं अगर ग्रह पीड़ित हो जैसे राहु से दृष्ट हो क्योंकि शनि से भी ज्यादा पाप ग्रह राहु है तो राहु की दृष्टि उन पर पड़ रही हो शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो अंश बल से वो कमजोर हो मृत अवस्था में हो नीच राशि में हो तो फिर उनका प्रभाव ज्यादा कष्टदायी हो जाता है ज्यादा परेशानी देने वाला हो जाता है तो चलते हैं सबसे पहले आज जिन तीन राशियों की बात होनी है नहीं, मकर कुंभ मीन तो सबसे पहले बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर क्योंकि शनिदेव सर्वाधिक एक राशि पर ढाई वर्ष का समय व्यतीत करते हैं जो कि सबसे लंबा काल है और ऊपर से जब यह वक्री और मार्गी होते हैं तो इसमें भी और समय चला जाता है नहीं, लगभग लगभग यह काल कई बार तीन वर्ष के आसपास तक का हो जाता है देखते हैं मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है शनिदेव आपकी ही राशि पर संचरण करने जा रहे हैं आपकी राशि के स्वामी हैं। फलस्वरूप सबसे पहले तो यह सस महापुरुष योग भी है अब सवाल उठता है कि जैसा कि मैंने कहा अगर मकर राशि के हैं आप और शनिदेव आपकी कुंडली में बलाबल के साथ बैठे हैं तो यह साढ़े साथी किसी भी प्रकार से आपको कष्ट नहीं देनी चाहिए मैंने हमेशा बताया कि साढ़े साथ को लेकर के जितना हम सोचते हैं उसमें एक ऐसा पीरियड होता है नब्बे दिन का समय जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र के उस चरण पर संचरण करते हैं जिसमें आपने जन्म लिया हो और यही वो समय होता है जो सबसे ज्यादा कष्टदायी होता है और उसी टाइम की रिकवरी ही तो बाकी समय में होता है और कुछ नहीं तो शनिदेव आपकी राशि पर उस चरण में जिस चरण में आपने जन्म लिया है वो कैसे पता चलेगा आप अपने नामाक्षर को देखिए जन्म नामाक्षर को देखिए पता चल जाएगा जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया उसके चरण से पता चल जाता है यह बात तो अब चूंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है राशि में लग्न में ही बैठे हैं यानी कि आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं तो ज्योतिष तो शास्त्र यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा जो भाव अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट हो तस्य भाव से वृद्धि ही उस भाव की वृद्धि हो जाती है तो यहां प्रथम विचारणीय तथ्य कि यहां भाव वृद्धि होगा या शनिदेव कष्ट प्रदान करेंगे दोनों ही बातें होंगी अगर चंद्रमा से वो दृष्ट हैं यानी चंद्रमा की दृष्टि उन पर पड़ रही है और चंद्रमा पर उनकी दृष्टि पड़ रही है तब तो मानसिक अशांति और परेशानी होगी भाव वृद्धि भी होगा दोनों बातों को समझिए शनिदेव व्यक्तित्व में बैठकर कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते इस बात को पहले आप जान लीजिए क्यों क्योंकि ये पश्चिम के कारक हैं और पूरब में जाकर सर्वथा उदासीन हो जाते हैं तो लग्न में बैठकर पहले तो आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा उदासीनता का पुट ला देंगे काम आपका डिले होने लगेगा हर काम में बाधा उत्पन्न होगी अब बाधा का अर्थ क्या डिले कैसे होगा किसी न किसी बाधा के कारण ही डिले होगा लेकिन प्लस पॉइंट कि अपनी राशि में बैठे हैं शश महापुरुष योग में हैं, तो शश महापुरुष योग का एक सूत्र यह भी कहता है कि हर वो काम जातक का बनेगा जो जातक चाहता है लेकिन विलंबित होगा तो ठीक है विलंब से ही अगर काम हो रहा है तो होना चाहिए अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी राशिपति जाकर भाई बहनों के संबंधों में परेशानी मतभेद होने लगना जो आपके अपने हैं मित्र हैं दोस्त हैं वो हो सकता है या तो आपको इस्तेमाल करना चाहेंगे या जरूरत पड़ने पर आपका साथ नहीं देंगे पराक्रम में आपके अंदर कहीं ना कहीं अब चुकी लग्न में यानी आपकी राशि पर मैं लग्न शब्द का इस्तेमाल जब जब कर रहा हूं आपको इस बात का ख्याल हो रखना होगा कि ये चंद्र राशि में से मैं आपको राशि फल बता रहा हूं और ज्योतिष शास्त्र में चंद्र कुंडली को भी उतना ही महत्व प्राप्त है जितना कि जन्म कुंडली को तो लग्न शब्द का इस्तेमाल मैं चंद्र कुंडली के लिए कर रहा हूं इस बात का ध्यान रखिएगा तो शनिदेव आपकी राशि पर बैठकर पराक्रम को देखेंगे जैसा मैंने कहा उदासीनता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उदासीनता उदासीनता कब होगी जब आपके पराक्रम में कमी हो पराक्रम में अगर आपके पास वृद्धि हो पराक्रम आप खूब करें तो जीवन काल में उदासीनता कैसी शनिदेव तो कर्म के ही कारक हैं तो ये कहीं ना कहीं पराक्रम में भी थोड़ी कमी आएगी सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी जो कि विच्छेदात्मक दृष्टि डालते हैं और वो क्या करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति घर में वातावरण वाता कुछ ऐसा बन जाएगा जहां परेशानियां होने लगेंगी इसीलिए मध्य मध्यढैया पर विशेष विचार किया जाता है क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव क्या है असल में कुंडली के चतुर्थ भाव को आपका घर कहा गया है लेकिन असल विचार अगर किया जाए तो अगर आप विवाहित तो हैं दाम्पत्य जीवन में हैं, तो घर के लिए अगर देखें तो यह भी नित्याह गृहिणी गृह उच्चते गृहिणी को घर कहते हैं तो सप्तम भाव भी आपका घर है तो वहां पर दृष्टि डाल करके विच्छेद करा देते हैं जीवन साथी की सेहत कमजोर होने लगेगी मतभेद होने लगेगा बात बात में परेशानी घर में कलह का वातावरण बन जाएगा और फिर रही सही कसर पूरी हो जाएगी शनिदेव दसम भाव पर दृष्टि डाल के कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न करने लगेंगे हर कार्य डिले कराने लगेंगे जितना आप बेहतर परफॉर्मेंस करें उसके बराबर आपको नहीं मिल पाता हालांकि यहां पर बात अगर मकर राशि के लोगों के लिए करूं तो यहां पर स्थिति थोड़ी अलग है कैसे क्योंकि शनिदेव खुद की राशि में बैठकर अपनी उच्च दृष्टि कर्म भाव पर डालेंगे फलतः कार्य क्षेत्र में आपके काम सारे बनेंगे क्योंकि दृष्टि भी विचारणीय होती है कि ग्रह अगर बलाबल के साथ है तो वो कितना नुकसान कर सकता है तो शनिदेव की दसम दृष्टि जो है जो दसम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा कार्य आपके सारे बनेंगे विलंब से देरी होगी बाधाएं हाँ उत्पन्न होंगी लेकिन काम सारे बनेंगे काम बनने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यानी इस मामले में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मकर राशि के जातक फिर से एक बार दोहरा लें उदासीनता थोड़ी सी जीवन काल में आ जाएंगी काम डिले होने लगेगा आपके अंदर आलस्य का पुट आएगा घर में कलह का वातावरण हो, वाता हो सकता है परेशानी का वातावरण हो सकता है छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में खराबी हो सकती है और फायदा आपको यह मिलेगा कि आपके काम सारे बनेंगे जुगाड़ से जितने भी काम हो वो सारे के सारे बन जाएंगे राजनीति में अगर आप जुड़े हैं तो कही कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी के साथ ही आपका कद भी बढ़ना चाहिए तो क्लियर हो गया कि साढ़े साथी परेशानी भी देगी और कुछ फायदा भी अब यही अगर शनिदेव आपकी कुंडली में बकरी है और किसी भी प्रकार से उनका उनकी दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है तो ये साढ़े साथ ही आपको फायदा देगी पराक्रम में वृद्धि कराने वाली होगी दाम्पत्य जीवन इत्यादि भी सुखद विवाह अगर बाधित है तो वो कराने का काम करेंगे नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलाने का काम करेंगे प्रमोशन नहीं है तो प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे जो आप चाहते हैं वो कराने का काम करेंगे वक्री हो और चंद्रमा से संबंधित ना हो शर्त इतनी है हनुमान जी की शरण में आइए मेरे पास उपाय हनुमान जी ही हैं क्योंकि ये खुद के द्वारा किया हुआ उपाय है तो हनुमान जी की शरण में आ जाइए हनुमान जी की शरण में आते ही आपकी समस्या खत्म हो जाएगी हनुमान जी की शरणागति ग्रहण कर लीजिए बजरंग बाण का पाठ आपको नियमित करना है शनिवार मंगलवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ और बाकी दिनों में बजरंग बाण का पाठ आपको शुरू कर देना है नाव के लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आपको धारण कर लेना है और पीपल, पीपल वृक्ष की जड़ में आपको प्रातः काल जाकर के जल प्रदान करना है शनिवार के दिन और सायंकाल तिल तेल का दिया जलाना है ये इतना काम आपको अवश्य करना है गरीबों की मदद करिएगा जो मजदूर वर्ग है उनको उचित पारिश्रमिक दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कुंभ राशि 24 जनवरी 2020 परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन काल में शनि साढ़े साथ से अब प्रभावित हो जाएंगे आप साढ़े सात साल का एक समय एक दौर जो आपके जीवन काल में गुजरेगा प्रभावित करेगा परेशान भी और अच्छा भी शनिदेव आपके राशि के स्वामी होते हैं और अगला संचरण आपकी राशि पर ही इनका होगा तो अच्छा और बुरा दोनों इस मद में कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बला, बलाबल के साथ बैठे हैं अंशबल उनका अच्छा है वक्री हैं और वक्री ना भी हो तो कम से कम वो चंद्रमा को न देख रहे हो चंद्रमा के साथ उनका दृष्टि संबंध नहीं होना चाहिए चंद्रमा पर विशेषकर उनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि ये साढ़े साथ ही पूरी तरह से आपको कष्ट नहीं देगी क्या क्या परेशानी लाएगी जीवन काल में उसे मैं अवश्य आपको बता देता हूं देखिए इस गोचर काल में शनिदेव आपकी राशि से बारहवें भाव में संचरण करेंगे शनिदेव को बारहवें का कारक कहा गया है तो बारहवें का कारक होना और वो भी खुद की राशि में बैठना बढ़िया हुआ ज्योतिष को समझना है तो केवल एक ऐसा नहीं कि गोचर पर चर्चा चल रही है और केवल डरने के लिए इसको समझिए ये कहना क्या चाहता है तो ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र क्या कहता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में संचरण करता है तो अपने दूसरी राशि के बल को बलि कर देता है तो सीधी सी बात है आपके व्यक्तित्व में इस गोचर काल के दौरान शनि जो है मैंने बताया था कि शुक्र की राशि में ही एक बड़े सरल शब्दों में ताकि आम जनमानस इसको समझ ले इसके पीछे और भी लॉजिक है लेकिन आम जनमानस समझ ले उसको मैंने बताया था कि क्यों तुला राशि में जाकर के उच्च होते हैं तो इसलिए होते हैं कि शनि को दास का कारक कहा गया है और जब दासत्व को ऐसो आराम सुख मिलता है तो वो अपने आप को ऊंचा महसूस करता है तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि और शुक्र ऐश्वर्य है भोग है भोग की राशि पर जैसे ही दास ग्रह पहुंचता है अपने आप को ऊंचा वो समझ लेता है तो सीधी सी बात है एक सामान्य साधारण तरीके से आप समझिए अब व्यय भाव में बैठे शनिदेव एक काम करेंगे क्या व्यय कराएंगे किस चीज पर तो अपने ऐशो पर सुखों पर भौतिक सुखों पर यह खर्च आपके कराएंगे किसके लिए खर्च होगा तो आपके लिए तो ये खर्च में जो वृद्धि होगी हो सकता है कई बार आपको हाथ अपना तंग महसूस हो जरूरत पड़ने पर पैसा न मिल महसूस पाए कि है कि नहीं है दिक्कत होगी क्यों उसके पीछे भी रीजन है शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ेगी और क्यों इसे प्रथम ढैया कहा गया इस पर भी जरा विचार करिए साढ़े साथी की ये प्रथम ढैया कही क्यों जाती है इसीलिए कि शनिदेव व्यय भाव में बैठ जाते हैं अरे आज मकर राशि की बात चल रही है लेकिन आम परिस्थितियों में जब मकर और कुंभ राशि की बात न चल रही हो तुला और वृषभ राशि की बात न चल रही हो तो उस अवस्था में व्यय भाव में बैठे शनिदेव पहला काम करेंगे कि आपको पैसे का मोहताज बना देंगे पैसा रहने ही नहीं देंगे ऐसे जातकों के दिमाग में फितूर खूब आएगा शुरुआत में शनि साढ़े साथ के लिए मैंने कई वीडियो बताए और समझाए हैं क्या कराते हैं ये कि आप जो भी काम करेंगे हर काम में आपको फायदा मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझसे बेहतर जानकार और समझदार व्यक्ति तो कोई है ही नहीं और आप यहीं पर भूल कर जाते हैं कि शनिदेव इसी भूल का फायदा उठाएंगे आपसे गलत निर्णय कराएंगे और आपकी सारी जमा पूंजी खर्च करा देंगे घर में रखा हुआ पैसा बैंक में रखा हुआ पैसा अपने आप तो खर्च होगा नहीं कैसे होगा तो आपसे गलत निर्णय होगा सपोज कीजिए कि अभी आप साढ़े से पहले आपका अच्छा दिन चल रहा है जितने भी आपने काम किए थे सब दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा था साढ़े सात ही लगी अब बढ़ने की क्रिया जो है और तेज हो गई कैसे तो जरा गौर करिए आपको बड़ी गंभीर विषय समझा रहा हूं मैं शनिदेव बारहवें भाव में बैठे हैं बारहवें भाव में बैठ करके व्यय कराएंगे अब जरा सोचिए कि आपने बीस रुपए बैंक में रखे हैं लेकिन उसी बीस रुपए को अपने ऊपर खर्च कर देते हैं तो आपको फील तो होगा ही अरे ये भी मेरे पास आ गया ये भी मेरे पास आ गया गौर करिए वो आप ही का पैसा आप खर्च कर रहे हैं आपका संचित धन समाप्त हो रहा है और यहीं पर भूल हो जाती है संचित धन धन ही इंसान का बलाबल कहां है तो धनवान न बलवान लो के जो धनवान है वो बलवान है आपका धन खत्म कर देते हैं इसीलिए ये साढ़े साती बनती है आपको धन से कमजोर कर देते हैं गौर करिए कैसे ये साढ़े साती कष्ट डालती है बात मकर और कुंभ की नहीं है यहां पर स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि खुद की राशि में बैठे हैं तो वो आपका संचित धन अपनी तीसरी दृष्टि डाल करके व्यय कराएंगे किसके ऊपर व्यय होगा आपके ऊपर आपको लगेगा सब कुछ मेरा बढ़िया हो रहा है मैं तो जो कर रहा हूं सब ठीक हो रहा है साढ़े साथ तो मुझे फायदा दे रही है जिना आप भूल कर रहे हैं आप अपना संचित द्रव्य समाप्त कर रहे हैं और जैसे ही बल धन की गर्मी निकलती है तो शास्त्र कहता है इंसान दूर दुराने के योग्य बन जाता है बस बन जाता है इंसान आपका संचित धन गया और आप कहीं के लायक नहीं यही सचेत हो जाइए सचेत हर किसी को करना चाहता हूं बात कुंभ राशि की नहीं सबकी है सचेत हो जाइए कुंभ राशि वालों को विशेष क्योंकि तो कुंभ राशि वाले देख रहे होंगे सचेत धन खर्च आप कर रहे हैं और संचित धन कर रहे हैं तो जरा हाथ कंट्रोल में रख करके करिए खुल करने की आवश्यकता नहीं है एक दूसरा शनिदेव की सातवी दृष्टि रोग रिपु ऋण पर पड़ेगी तो विच्छेदात्मक दृष्टि है तो जैसा मैंने कहा आपके लिए फायदेमंद ही होता है रोग रिपु और ऋण से बचाव का काम कराते हैं अब कई बार क्या होता है कि बारहवें भाव में बैठ करके व्यधिक कराएंगे भोग के कारक हैं भोग भाव पर भोग भाव में बैठ करके बारहवें भाव व्यय भाव में बैठ करके द्वितीय भाव को देखते हैं ध्यान से अब द्वितीय भाव को देखेंगे तो खाना क्या गलत चीज मद्यपान मांसाहार यानी गलत लत लग जाएगी अब जैसे ही भोग बढ़ा तो रोग आना तय है यह चक्रव्यूह है एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है आपके चारों तरफ भोग कराएंगे किस तरह का तो गलत चीजों का रोग आ जाएगा शरीर में निसंदेह आपको बचाएंगे कैसे आपका संचित धन डॉक्टर के यहां जाएगा और आप बच जाएंगे निसंदेह बचेंगे आप ही का पैसा दवा में गया स्वाहा बात खत्म तो परेशानियां तो खत्म हुई लेकिन आपके संचित धन को समाप्त करा करके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके इस राशि के लिए सबके लिए नहीं होता परंतु इस राशि के लिए कही न कहीं ना कहीं बढ़िया है उच्च दृष्टि डालेंगे कैसे बढ़िया होगा अगर जातक अपने पिता का सम्मान करने लगे अगर जातक धर्म कर्म से जुड़ जाए अगर जातक तीर्थ इत्यादि पर अपने पैसे खर्च करे अगर जातक धार्मिक कृत्यों पर अपने पैसे खर्च करे तो कहीं ना कहीं उसका पैसा सही जगह पर जाएगा भोग में नहीं जाएगा और भोग में नहीं जाएगा तो रोग नहीं होगा और रोग नहीं होगा तो फिर उसका संचित द्रव्य कम से कम दवा इत्यादि में बर्बाद नहीं होगा शरीर का भी नुकसान और धन का भी नुकसान और धर्म इत्यादि कार्य करेगा तो उसके भाग्य की भी वृद्धि हो जाएगी तो ये साढ़े अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना बैठा लें थोड़ी सी योजना बना लें तो साढ़े साथ ही आपको अद्भुत फायदा दे सकती है अन्यथा आप तैयार हो जाइए मानसिक अशांति के लिए अब ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि हो जिनके चंद्रमा थोड़े पीड़ित हो उनके साथ तो पक्का है परेशानी होगी क्योंकि उन्हीं को उफान में ये डालते हैं और जैसे उफान में इंसान पड़ा जय जय श्रीराम कर देते हैं तो आप तैयार हो जाइए मैंने बताया आपको कहां कहां से दिक्कत कर सकते हैं सावधानी रखिए व्यय कराएं उससे आप बच सकते हैं इससे बेहतर ढंग से और क्या समझाया जा सकता है आपको कि बचना कैसे साती से तो आप एक योजना बना लीजिए सुरक्षित है और हनुमान जी की आराधना अभी से साढ़े सात साल चलना ही चलना है तो अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो जाकर के दर्शन कर लीजिएगा काम चल जाएगा और सुंदरकांड का पाठ एक नियम बना लीजिए कि मैं शनिवार या मंगलवार किसी एक दिन अवश्य करूंगा दासों के कारक हैं तो गरीब मजदूर वर्ग जो है उनको जितना भी हो सके उनका कि उनकी मदद करिए और मदद में हमेशा कहता हूं कि उनका उनका दान उनकी मदद ऐसा ही है कि उनको उनका उचित पारिश्रमिक दे दिया जाए जितना उन्होंने मेहनत किया वो बस दे दीजिए बस आपको कम कराने की आवश्यकता नहीं है उनकी मांग उनको दे दीजिए शनिदेव प्रसन्न आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना तो ये उपाय अगर आप करते हैं और आपने अगर साढ़े को समझ लिया अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी मीन राशि 24 जनवरी 2020 हजार शनिदेव गोचर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लिए लाभ भाव में उनका संचरण होने जा रहा है मीन राशि के जातकों के लिए मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो ज्योतिषीय तो है ही जरा इसे तर्कता और तर्कसंगता की कसौटी पर कस करके देखिए असल में देखा जाए तो अब ये आखिरी राशि है और ज्यादातर मीन राशि के ही लोग आप लोग देख रहे होंगे बाकी कोई नहीं देखेगा इसको पर फिर भी अगली बारी आपकी है साढ़े साथी आगे आप ही को लगना है क्या यह मंथन का विषय नहीं है कि साढ़े साथी लगनी आपको आगे है और उसकी सूचना शनिदेव अभी से देना शुरू कर देते हैं ये सूचना दे रहे हैं घंटी बजा रहे हैं अब हमें सुनाई ही ना पड़े तो बात अलग है कैसे कैसे होगा ऐसे ऐसा कैसे होगा आइए इस पर चर्चा शुरू करें कहां पर संचरण शुरू हो गया है शनिदेव का तो आपके लाभ भाव में जीवन काल में जब परेशानी भरा समय आना हो तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत की चीज क्या होती है धन धन जो आपका अपना हो आपके पास हो शनिदेव लाभ भाव में आकर और सबसे पहला काम कराते हैं आपको धनागमन कराना यानी मीन राशि के जातकों के लाभ भाव में बैठे शनिदेव भाव वृद्धि करेंगे और धनागमन के लिए जबरदस्त स्थिति उत्पन्न कर देंगे खूब धनागमन होगा ये न केनप प्रकारेण नोट करिए न केनप प्रकारेण शनिदेव अच्छा और बुरा इसमें कोई फर्क नहीं ये तो बाद में ये हिसाब लेते हैं कि हर प्रकार का धन आपको देंगे आप अच्छा लेना चाहते हैं अच्छा बुरा कार्य करके लेना चाहते हैं बुरा कार्य हिसाब बाद में होगा धन लीजिए पहले देंगे अब पता कैसे चले कि साढ़े साथी ने दस तक दे दिया है या यूं कहें कि साढ़े साथी करीब आने वाली है जल्द ही ऐसे शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके व्यक्तित्व तो पर पड़ेगी आपकी राशि पर क्या होगा अब धीरे धीरे आपको फील होने लगेगा काम सारे बनेंगे धन आएंगे लेकिन कार्य आपके डिले होने लगेंगे कार्य में देर होने लगेगी कार्य में दिक्कत आने लगेगा और शनिदेव की सातवीं दृष्टि ज्ञान और संतान भाव पर पड़ेगी तो जो विद्यार्थी हैं शिक्षा में परेशानी आने लगना मन पढ़ाई से भटकने लगना दिक्कतें आएंगी उसमें लेकिन यहां पर बात थोड़ी अलग है आज मकर राशि में है खुद की राशि में और खुद की राशि में बैठा ग्रह इतनी खराबी नहीं करता हालांकि मीन राशि की बात चल रही है तो इस लग्न के लिए राशि के लिए बहुत सनिदेव कारक नहीं है फिर भी दिक्कत कहां लाएंगे तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आएगी और जीवन काल में बिगड़ता कब है तो बिगड़ता तब है जब आपका ज्ञान आपकी बुद्धि आपका साथ न दे ज्ञान है दिमाग है बुद्धिमत्ता है दूसरे उससे फायदा उठा लेंगे आपको आपके ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा यह शुरुआती दौर है क्योंकि आने वाले दिनों में साढ़े होगी तो कैसे एक चक्रव्यूह रचा जाता है वो देखिए शनिदेव ने आपकी राशि पर दृष्टि डाली कार्य को विलंबित करना शुरू कराया विद्या बुद्धि ज्ञान सब है लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं अथवा अथवा दिमाग में फितूर भरना यानी जो निर्णय आप लें वो सारे पत्ते अगर सही बैठने लगे तो कई बार इंसान खुश हो जाता है कि मेरे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं मैं जो कर रहा हूं वही सही हो रहा है असल में ये भी परेशानी की ही सूचना है जो आप करें वो सही होने लगे यानी विधाता आप और जैसे ही ऐसी ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो क्योंकि ढाई साल का एक पीरियड है तो ये मन में जैसे ही भाव उत्पन्न हो कि विधाता मैं तो एक चूड़ी एक कड़ी कस देते हैं वो कैसे तो धनागमन तो होगा लेकिन जब धन घर में आता है तो मति फिर जाती है किसकी किसकी मति फिरती है तो आत्मा जायते इति पुत्र आत्मा की हो सकता है आप कहेंगे कि मैं तो भोगी नहीं हूं मैं तो धन आया जरूर लेकिन आज भी पूजा पाठ में लगा हुआ हूं तो शास्त्र ने कहा आत्मा जायते पुत्र आपकी जो आत्मा है वही आपका पुत्र है तो मति फिरनी शुरू हो जाएगी धन आएगा और धन का व्यसन शुरू हो जाएगा या तो आप करें या आपकी संतति करें कोई ना कोई एक करे तो व्यसन शुरू अगर आप किए तो आठवीं दृष्टि दसवीं दृष्टि पर नजर डालिए वो अष्टम भाव पर है आप किए तो परेशानियां अपने लिए खड़ी कर लेंगे और आप नहीं किए तो संतान के घर से एक दो तीन चार ये संतान के सुख का भाव है संतान को सुख कराएंगे और सुख करा करके मुश्किल में डाल देंगे पुनः ये तो हुई बात साधारणतया साढ़े साथी को समझने की अब आपके लिए आपका राशिफल समझा देता हूं शनिदेव लाभ भाव में बैठ करके धनागमन की स्थिति लाएंगे धनागमन होगा खूब धन आएगा बढ़िया है आपके लिए तीसरी दृष्टि लगने पर पड़ेगी यानी आपकी राशि पर पड़ेगी विलंबित कार्य लेकिन सारे काम आपके बनेंगे जो भी क्या काम आप करेंगे बुद्धि लगाएंगे दिमाग लगाएंगे विद्या क्षेत्र सब में आपकी वृद्धि होगी समझा चुका हूं अब इससे आगे मत पूछिएगा कि बताया नहीं था जो भी आप करेंगे सब में आपकी वृद्धि होगी और अष्टम भाव पर दृष्टि धार्मिक कार्यों में रुचि होना अथवा रहस्यमय विद्याओं में रुचि होना आकस्मिक धन की तरफ खिंचाव होना यहां एक और बड़ा अच्छा चीज दिमाग में आ गया इसे भी बताता हूं जब इंसान के पास धन आने लगता है तो वो आकस्मिक धन की तरफ बहुत भागता है कई बार भागता है क्यों या धनागमन में थोड़ी कमी हो तब भी वो आकस्मिक धन की तरफ भागता है ये इंसानी प्रवृत्ति है जब आपके पास खूब धन आए चमोर धन बरसने लगे तब आपको लगता है कि अरे यार थक गया अब ऐसा कुछ कर दो कि बैठे बिठाया एक या दो इंसान ऐस, ऐसी स्थिति में आ जाए जब धन का आगमन खूब हो और थोड़ा कम हो जाए तो उसको धन तो उतना ही चाहिए होता है क्योंकि उसके खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि उसको धन उतना ही चाहिए होता है और मेहनत से वो उतना धन पा नहीं सकता तो क्या करता है तो वो आकस्मिक धन की तरफ चला चलता है जहां पर एकाएक कुछ करके मिल जाए जुआ सट्टा लॉटरी कुछ ऐसा कर दू कि खूब धन आ जाए यहीं से तो लत बन रही है यहीं से तो तैयारी हो रही है यही वो तीन राशियां थी जिस पर विशेष चर्चा होना था आज के दिन तो यहीं से वो लत बन जाती है कि आप जुआ सट्टा लॉटरी में लगाइए और लगाइए और एक बार लगाइए तो दूसरी बार पाइए तीसरी बार पाइए लालच बढ़ गई और बढ़ी लालच तो काम शुरू क्योंकि आ रही है साढ़े साथी की प्रथम ढैया यहां से सब कुछ दे दे के छीनना शुरू कर देते हैं तो मैं मीन राशि के जातकों को सावधान करना चाहता हूं डराना नहीं ये पूरे ज्योतिषीय तर्क समझाने का अर्थ था यह तो वही वाली बात हो गई कि जिसका नहीं भी है उसको भी डराया जा रहा है बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि भविष्य को लेकर अगर सचेत रहेंगे तो भविष्य कभी डराता नहीं भविष्य मार्ग को आसान कर देता है तो अगर आप सावधान रहेंगे धर्म से जुड़े रहेंगे आध्यात्म से जुड़े रहेंगे यह आध्यात्म का भी घर है तो आध्यात्म से जुड़े रहिए ज्योतिष इत्यादि विषयों में लगिए इन विषयों से कुछ सीखिए समझिए फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और जहां थोड़ी सी गलती हुई नहीं समझे तो धन का आगमन तो एक ही काम कराता है भोग की तरफ प्रवृत्त कर देता है भोग किया तो पेट का रोग होगा और पेट का रोग होगा तो आगे शुगर और किडनी पर असर पड़ ही जाएगा शुक्र की राशि है यहां तो ऐसा करता हूं आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा मीन राशि के जो जातक हैं उपाय कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपके लिए वक्त अभी ठीक है मैंने बस एक रास्ता समझाया था कहां से दिक्कत आती है ज्योतिषीय तर्क था जो आपके काम आएगी ज्ञान है ये हनुमान जी की आराधना करते रहिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी तो प्रिय दर्शकों और मीन इन तीन राशि के जातकों के लिए शनि राशि परिवर्तन का प्रभाव तो आज शनि राशि परिवर्तन प्रभाव का यह पूरा कार्यक्रम पूर्ण हो गया आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार